हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे होली स्पेशल मालपुआ। वैसे तो आप मालपुआ कभी भी बना कर खा सकते हैं, लेकिन इसे खास होली पर बनाया जाता है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मालपुआ के लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप चीनी और सेम इसी कप से हम 3/4 कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए हल्की सी क्रश की हुई 2 इलायची डाल देंगे। आप इसके जगह पर इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन सबको लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में बॉयल करेंगे, या हम इसे तब तक बॉयल करेंगे जब तक कि इसमें हल्की चिपचिपी तार वाली चाशनी ना बनने लग जाए। चाशनी को बॉईल करते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें चेक कर लेंगे। तो चेक करने के लिए इस तरह से उंगलियों के बीच में चाशनी लें और ये देखें, इसमें हल्की सी तार बननी शुरू हो गई है और ये चिपचिपी भी है। तो ये अब बिल्कुल रेडी है। तो हम स्टोव को बंद कर देंगे और स्टोव को बंद करने के बाद अब हम इसमें 1/2 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे ताकि चाशनी ना जमे। और अब हम इनसे मिला लेंगे और एक तरफ रख देंगे। तो चलिए अब हम मालपुआ बनाने की तैयारी कर लेते हैं। मालपुआ का बैटर तैयार करने के लिए हम लेंगे 2 पके हुए केले। केले ज़्यादा पके हुए यूज़ ना करें, नहीं तो मालपुआ का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। अब हम इन्हें हाथों की सहायता से या फॉर्क की सहायता से अच्छे से मैश कर लेंगे। केले को अच्छे से मैश कर लेने के बाद अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 5 से 7 बारीक कटा हुआ बादाम और अब हम इसमें डालेंगे 5 से 7 बारीक कटे हुए काजू। साथ ही हम डालेंगे इसमें 2 इलायची कूटी हुई, या आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 पैकेट मिल्क पाउडर। ये 10 रुपीज़ का मिल्क पाउडर का पैकेट है जो कि ग्राम्स में 25 ग्राम है। अब हम सबको हल्का सा मिला लेंगे। अब हम इसमें मैदा डालेंगे 3/4 कप और साथ में डालेंगे हम इसमें 1/4 कप नारियल का बुरादा। अगर आपके पास नारियल का बुरादा ना हो तो आप सूखे नारियल को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। हम मालपुआ के बैटर को तैयार करने के लिए दूध का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह पर पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। हमें एक बार में दूध बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, नहीं तो बैटर पतला हो सकता है। तो हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। मालपुआ के लिए बैटर अब बिल्कुल रेडी है और ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल फ्लोइंग होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल रेडी है और इतने बैटर को तैयार करने के लिए हमने 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे एक तरफ रख देंगे 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम इससे मालपुआ तैयार कर लेंगे। बैटर को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इससे मालपुआ तैयार करेंगे। उसके पहले हम इन्हें अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। अब मालपुआ बनाने के लिए बैटर उतना ही लें जितने बड़े साइज़ का आपको मालपुआ बनाना है। अब बैटर को इस तरह से मीडियम हॉट ऑयल में डाल दें और ध्यान रखें कि आप जो भी बर्तन यूज़ करें मालपुआ को फ्राई करने के लिए, वो बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए, जैसा कि मैंने यूज़ किया है। और अगर आप इसे कढ़ाई में फ्राई करेंगे तो हो सकता है ये बॉल की तरह गोल बने। तो आप कोशिश करें कि इसे फ्राइंग पैन में ही फ्राई करें और एक साथ उतना ही मालपुआ फ्राई करें जितना कि पैन में आसानी से आ जाए। और फ्रेंड्स, मालपुआ को फ्राई करने के लिए हमेशा फ्लेम मीडियम टू लो या मीडियम ही रखें ताकि मालपुआ अंदर तक अच्छे से फ्राई हो सके। इस तरह से बैटर डालने के बाद अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए इसी तरह से फ्राई होने देंगे। मालपुआ का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इन्हें पलट देंगे और इन्हें इसी तरह से अलट पलट करके मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं मालपुआ बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और कलर बहुत अच्छा है। अब हम इन्हें तेल से निकाल लेंगे और थोड़ी देर इस तरह से रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल पैन में वापस चला जाए। अब हम इसे हल्के गर्म चाशनी में डिप करेंगे 2 मिनट के लिए। मालपुआ को चाशनी में डिप करने के बाद इस तरह से इन्हें अलट पलट कर दें ताकि सारे मालपुआ में चाशनी अच्छे से सोख हो जाए। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप मालपुआ को 4 से 5 मिनट के लिए चाशनी में डिप करके रख सकते हैं। मालपुआ को डिप किए हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक बोल में निकाल लेंगे और बिल्कुल इसी प्रोसेस में हम सारे मालपुआ को रेडी कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, होली स्पेशल डिलीशियस मालपुआ अब बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। और सर्व करने से पहले इसे बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते से ज़रूर गार्निश कर लें, क्योंकि ये खाने में तो स्वादिष्ट है ही, देखने में भी सुंदर लगेंगे। सो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी ढेरों मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और मजेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।